और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। मैनपुरी से मिल रही है, बीजेपी नेता की गाड़ी पर हमला किया गया है। प्रेम सिंह शाके की गाड़ी पर हमला किया गया। पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान भी थे साथ में सवार, और हमले में बीजेपी नेता का ड्राइवर जख्मी हो गया है। सपा समर्थकों पर हमले का आरोप लगा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरोली गांव में गाड़ी पर हमले का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी के लोगों पर ये आरोप लगाए गए हैं, बीजेपी के नेता पर हमला किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उसी दौरान का वीडियो है जब गाड़ी पर हमला किया गया था। ड्राइवर घायल हो गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है क्योंकि मैनपुरी को सपा का गढ़ भी कहा जाता है। यहां पर इलेक्शन चल रहे हैं और ऐसे में बीजेपी नेता की गाड़ी पर हमला किया गया। बीजेपी नेता प्रेम सिंह शाके की गाड़ी पर हमला हुआ है और पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान भी उनके साथ में मौजूद थे जिस वक्त हमला हुआ। और ज्यादा जानकारी के साथ में देवेंद्र जुड़ गए हैं। देवेंद्र बताइए क्या अपडेट? जहां प्रेम सिंह साहब के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान दोनों ही जो है एक ही कार में थे। हालांकि जो है उनका उनका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने हमला किया है और गाड़ी गाड़ी का शीशा भी टूटा है और उसके बाद वो लोग मौके से फरार हो गए। हालांकि छुटपुट छोटे देवेंद्र क्या उन लोगों की पहचान हो गई जिन्होंने हमला किया था? नहीं, अभी चूंकि पुलिस को जानकारी दी गई है तो पुलिस उसके बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल की है और जो जो लोग थे आसपास उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्द जो जो उन्होंने हमला किया है उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र। तो चलिए भुवन भास्कर जी का रुख कर लेते हैं। सर, बीजेपी नेता की गाड़ी पर हमला हुआ है, आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। इस प्रकार माननीय नेता जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि आदरणीय डिंपल यादव जी के प्रति लोगों का स्नेह, उसे देखकर भारतीय जनता पार्टी की जो घबराहट वो इतनी बढ़ चुकी है कि हमारे जो कार्यकर्ताओं को और ये तो जांच का विषय है कि हमला स्वघोषित है या क्या है, जांच के बाद का विषय पता चलेगा। हम तो निश्चित तौर पर इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को माने, जांच होनी चाहिए। आप कह रहे हैं बीजेपी सीटें हार रही है, सपा कितनी सीटें जीत रही है? ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है और हमारे नेता ने कहा लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव मैं पूरे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूँ, ये उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव कर रही है क्योंकि देश का इंटरनल सर्वे तो आप लोगों ने भी किया होगा ना, 10 सीटों पर इलेक्शन है, कितनी सीटें हैं जहां पर सपा जीत जाएगी? मैं उसी विषय पर कह रहा हूँ, इस बात मैं उसी विषय पर कह रहा हूँ, जिम्मेदार जनप्रेम जिम्मेदार मतदाता की हैसियत से देश जो युवा किसान और महिला अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि 7 साल का योगी जी का सर। आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं ना, आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई पिछले इलेक्शन में, मैं भी ग्राउंड जीरो पर थी, लेकिन जो मुद्दे बीजेपी उठा रही थी उसका जिक्र जनता करती है, लेकिन आप जिन मुद्दों का जिक्र करते हैं वो जनता के बीच में बहुत कम सुनने को मिलते हैं, या तो आप उन तक पहुंचा नहीं पाए वो मुद्दे। देखिए, आप भी ग्राउंड में गए, आपको आपका मैं सम्मान भी करता हूँ, आप प्रतिष्ठित होंगे, मैं भी मैनपुरी से आया और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, एक हफ्ते का प्रचार करके मैं भी आया वहां का जो जो मैनपुरी का जो बालक है वो बहुत था। अग्निवीर का कितना विरोध है, जो परीक्षा लीक हुई है उसका कितना विरोध है, मैं ग्राउंड की बात करता हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपकी ये भी बात मान लेती हूँ, लेकिन ये तो वही मुद्दे हैं ना जो 2019 में भी उठाए गए थे, इसके बाद में जब यूपी का विधानसभा का इलेक्शन हुआ वहां पर भी आपने यही मुद्दे उठाए, लेकिन उसका जो असर है वो जनता के बीच में नहीं देखा जाता, रिजल्ट जो आए वो आपके सामने रहे। फिर मैं आपको वही बता, मुद्दे वो जो